रंगारंग दुनिया का। आपको बताएं, बॉलीवुड अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा की नई एक्शन फिल्म सीरीज धार का ट्रेलर जारी कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक नई ड्रामा सीरीज धार का पहला टीजर जारी कर दिया गया है, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा पुलिस अहलकार का किरदार निभा रही हैं। एक्शन और सस्पेंस से भरपूर इस फिल्म सीरीज का पहला ट्रेलर अदाकारा ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है, जिसे मदा खूब पसंद कर रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक 8 पार्ट्स पर मुश्तमिल इस सीरीज में सोनाक्षी सिन्हा एक सीरियल किलर को ढूंढती नजर आएंगी, जिसमें 27 खवातीन को कत्ल किया गया। ड्रामा सीरीज धार 12 मई को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा, जबकि इसका ट्रेलर 3 मई को रिलीज कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी मारूफ अदाकारा कोमल रिजवी ने शादी के बंधन में बंध गई। उन्होंने शादी का ऐलान अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने शोहर के हमरा चंद तस्वीर शेयर करते हुए किया। कोमल रिजवी ने अपने पैगाम में लिखा कि अपनी पोस्ट के कैप्शन में शादी का ऐलान करते हुए लिखना है कि ये एक पुख्ता वादा है, मैं आपके साथ हमेशा ख्वाब देखूंगी, आपके साथ जश्न मनाऊंगी और जिंदगी में जो कुछ भी हो आपके साथ चलूंगी। और आपको बताते चलें, नेटफ्लिक्स ने अगले 4 सालों में जनूबी कोरिया की नई फिल्मों और टीवी शोज में $2.5 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबर रजा एजेंसी के मुताबिक कंपनी के शरीक चीफ एग्जीक्यूटिव ने वाशिंगटन में जनूबी कोरिया के सदर यून सक योल से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि स्ट्रीमिंग कंपनी नेटफ्लिक्स अगले 4 सालों में जनूबी कोरिया में $2.5 अरब की सरमायाकारी करेगी। जनूबी कोरिया के सदर यून ने इस वक्त अमेरिका के सरकारी दौरे पर हैं, जहां इनकी मुलाकात अमेरिकी सदर जो बाइडन से हुई।